में, तो आप फ्रेंड्स फ्लैट में चलने से पहले अपन देख लेते हैं, ये पुलिस स्पेसेस यहाँ पे गैलरी है। टोटल यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं एक फ्लोर के ऊपर वो 14 फ्लैट है। देन यहाँ पे 6 स्टेयर्स आपको दी गई हैं एंड यहाँ पे आपको 6 एलिवेटर लिफ्ट्स दी गई हैं ताकि आप अप डाउन कर सके। देन पावर बैकअप के साथ में है सारी लिफ्ट्स। एंड अपन चलते हैं अभी फ्लैट के अंदर। ये जो फ्लैट होने वाला है 3 BHK है। देन ये सिंपल फ्लैट आपके लिए रेडी किया गया है। फर्स्टली अपन एंटर हुए फ्लैट के अंदर तो अपन को राइट साइड में पूजा रूम दिया गया है। देन अपन आते हैं फर्स्टली यहाँ पे डाइनिंग प्लस हॉल एरिया। तो यहाँ पे ये एल शेप आपको सोफा दिया गया है। आई थिंक सोफा बहुत सॉफ्ट है। एंड अपन चलते हैं ये पे 6 सीटर डाइनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। देन किचन से ये कनेक्ट है, वो फर्स्टली जो रहता है वो किचन रहता है। एंड अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पर्सन आराम से, 2 लेडीज यहाँ पे किचन में आराम से वर्क कर सकती हैं। देन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो लोअर कैबिनेट ओनली प्रोवाइड किया जा रहा है इस किचन के अंदर। एंड फुली स्पेस है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आप यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फ्रीज का स्पेस भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अपन अभी एंड इस हॉल के अंदर आपको डाइनिंग हो गया, आपका सोफा सेट हो गया एंड यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट भी प्रोवाइड किया गया है। देन वहाँ पे आप बैठे हैं या आप खाना खा रहे हैं, देन उस टाइम पे भी यहाँ पे टीवी अपना या LED आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो फर्स्ट रूम के अंदर अपन चलते हैं। तो ये अपना फर्स्ट रूम है। इसके अंदर यहाँ पे 6x6 का बेड लगाया गया है। देन लेफ्ट एंड राइट साइड में पूरा स्पेस यहाँ पे रखा गया है। देन आप इजिली यहाँ पे घूम सकते हैं, पूरे स्पेस के साथ में है ये। एंड यहाँ पे एक आपको विंडो दी गई है। देन यहाँ पे आप AC भी लगा सकते हैं, AC के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है। एंड प्लस में आपको यहाँ पे वार्डरोब्स दी गई हैं। ये वार्डरोब्स हैं जो आपको फ्लैट दिया जाएगा उसके अंदर। ये वार्डरोब्स आपकी लोअर कैबिनेट हुई, ये सारी चीजें रहेंगी। ये सिंपल फ्लैट है आपके लिए दिखाया जा रहा है। देन आप सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना स्पेस इसके अंदर रहता है। इसके अंदर अपन चलते हैं प्राइस एंड स्क्वायर फीट की बात आगे करेंगे। देन अपन उसके बाद में चलते हैं अपन मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम में चलते हैं। 6x6 का यहाँ पे बेड लगाने के बाद में जो साइज रहती है, इतनी स्पेस है यहाँ पे, अपन इजिली घूम सकते हैं पूरे फ्लैट का रूम के अंदर। एंड यहाँ पे अपन को बेड से टच यहाँ पे अपन को वार्डरोब्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ये वुडन वर्क, परफेक्ट वुडन वर्क किया गया है यहाँ पे। देन इसके अंदर भी आपको बेड दिए गए हैं वार्डरोब्स के अंदर भी। देन इस रूम से अटैच आपको यहाँ पे एक बालकनी प्रोवाइड की गई है। ये बालकनी का जो स्पेस है इतना है कि आप इजिली घूम सकते हैं। आपको एक छोटा सा यहाँ पे झूलने के लिए एक झूला भी आपको प्रोवाइड किया गया है। छोटे बच्चों आप भी नाइट टाइम पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। देन यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हैं, शानदार व्यू है यहाँ पे। एंड नाइट के टाइम पे आप बैठते हैं तो देन आपको सामने ही आपके रोड है, इस्कॉन टेम्पल नियर बाई है, एवरीथिंग आपके पास में है यहाँ पे। तो अभी अपन चलते हैं थर्ड रूम के अंदर। देन इसके पहले अपन देख लेते हैं बाथरूम। सबसे मेन जो पॉइंट होता है कि बाथरूम की साइज क्या होने वाली है, क्या मिलने वाला है बाथरूम के अंदर। आप यहाँ पे बाथरूम जो है बहुत ही बड़ी साइज के अंदर है। आप इजिली जो साइज है वो बहुत ही परफेक्ट साइज है यहाँ पे। मतलब ये नहीं किया गया कि बाथरूम को छोटा कर दिया गया है या कुछ दिक्कत होने वाली है। सेपरेट आपका यहाँ पे ये है एंड सेपरेट आपका, एंड यहाँ पे आपको वॉश बेसिन सेपरेट आपको लेफ्ट साइड में प्रोवाइड किया गया है। तो अपन चलते हैं थर्ड रूम में। थर्ड रूम से चलने से पहले अपन कॉमन लेट बाथ के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कॉमन लेट बाथ ये है। देन यहाँ पे भी आपको स्पेस पीछे की साइड में, गेट पे अपन टर्न बंद कर लेते हैं गेट को, तो यहाँ पे आपको स्पेस परफेक्ट आपके को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड वेस्टर्न स्टाइल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड ये आपका यहाँ पे वॉश बेसिन रह गया एंड आपको सामने ही एक ग्लास है। देन परफेक्टली आपके लिए परफेक्ट चीज है। एंड थर्ड रूम के अंदर चलते हैं। थर्ड रूम में भी अपन को एक बालकनी अटैच प्रोवाइड की गई है। देन यहाँ पे भी 6x6 का बेड प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर जो प्रोवाइड होने वाला है आपको बेसिकली वो है लाइट, फैन एंड AC के पॉइंट भी हर जगह पे आपको छोड़े गए हैं। तीनों रूम्स के अंदर है, हॉल के अंदर है, तो आपको परफेक्टली हर जगह पे आप AC लगा सकते हैं। अपन चलते हैं सेकेंड बालकनी के अंदर।
ये बालकनी है, यहाँ पे आप एक चेयर लगा के बैठ सकते हैं इजिली इस बालकनी के अंदर भी। देन आप यहाँ से भी पूरा व्यू साइड का आप देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंट में एवरीथिंग आपको परफेक्ट है। आप एक बार देख लीजिए सारा व्यू, ये व्यू रहेगा यहाँ से सारा। अभी अपन वापस यहाँ से चलते हैं वापस मैन होल के अंदर। तो सबसे स्पेशल जो चीज होने वाली होल के अंदर वो ये है कि अपने फ्रेंड्स आए या कुछ दोस्त आए नाइट के टाइम पे, देन अपन बैठने के लिए स्पेस चाहिए कि अपन रूम्स के अंदर नहीं जाना है या यहीं पे अपन को बैठना है। तो बहुत ही खास चीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एंड एक आपको फिर से यहाँ पे एक छोटा सा बैठने के लिए सारा सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं आपको चेयर है, सेंटर टेबल है बैठने के लिए, यहाँ पे आप इजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इजिली गप्पे, मैंने यही होता है फ्रेंड्स के साथ में बैठते तो गप्पे जरूर मार सकते हैं यहाँ पे बैठ के। एंड ये आपको यहाँ पे एक विंडो दी गई है, यहाँ से आप इजिली सारा व्यू देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे मस्ती कर रहे हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली इसकी जो प्राइस है एंड स्क्वायर फीट है 1520 स्क्वायर फीट इसका होने वाला है। एंड इसकी प्राइस की अपन बात करें तो पर स्क्वायर फीट जो प्राइस इसकी 3000 रुपीज है। देन आपको इस यहां से इसकी सारी डिटेल्स आपको चाहिए जो जो, इसके लिए आपको जो नंबर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस में आपको डिस्प्ले के ऊपर भी शो कर दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा इसके अंदर इम्यूनिटीज हैं सारी, देन वो भी आपको दिखाई जाएंगी सारी एक 1-to-1। एंड आपको इसका ओवरव्यू, फ्रंट व्यू एंड जो भी पिक्स हैं सारी डिटेल। अभी अपने फ्लैट तो देख लिया है, अब अपन देख लेते हैं इम्यूनिटीज क्या यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं अपन को। अपन फर्स्टली यहाँ पे आ चुके हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो फोर्थ फ्लोर पे अपन को क्या दिया जा रहा है, तो अपन चलते हैं इंटर करते हैं अंदर की तरफ में। तो यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है स्विमिंग पूल। यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे अभी पानी नहीं है इस स्विमिंग पूल के अंदर, बेसिकली आप जब आएंगे शिफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पे पानी भी मिलेगा। अभी सर्दी है तो बेसिकली आपको सर्दी के अंदर तो स्विमिंग पूल यूज नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी नहीं होता है, ये गर्मी के अंदर ज़्यादा यूज होता है स्विमिंग पूल, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पे स्विमिंग पूल के नीचे उतरने के लिए यहाँ पे स्टेज भी आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो अपन चलते हैं अभी इसमें जो थर्ड फ्लोर है उस पर क्या इम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं उस पर अपन पार्ट पे चलते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे अपन को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, थर्ड फ्लोर पे प्रॉपर जिम है ये। ये देखिए आपको सारी मशीनरी यहाँ पे मिल जाएगी, वेट की एवरीथिंग आप 1-to-1 देख लीजिए, साइकिलिंग एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। जिम के सारे यहाँ पे डंबल्स वगैरह, ये आपके डंबल्स यहाँ पे सारे रखे गए हैं। देन आपको जब भी मॉर्निंग में जिम करनी हो या इवनिंग में जिम करनी हो देन आप यहाँ पे आ सकते हैं और जिम कर सकते हैं। देन मतलब आपको आउटर साइड नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे स्विमिंग पूल हो चाहे आपका जिम हो एंड अदर जो भी छोटे बच्चों के लिए होते हैं एक्स्ट्रा गेम्स, इनडोर गेम्स, वो भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। एंड इस जिम के अंदर आपको एसी भी दी गई है। देन यहाँ पे जो एसी हैं टोटल वो 3 ACs हैं। इसके अलावा आपको यहाँ सफोकेशन ना हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे फैन है आउटर ताकि यहाँ पे सफोकेशन की प्रॉब्लम ना हो कभी भी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अभी अपन चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ पे अपन को क्या प्रोवाइड किया गया है इम्यूनिटीज़ के अंदर। तो अभी अपन आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे अपन को क्या मिल रहा है इम्यूनिटीज़ के अंदर, तो अपन चेक करते हैं। वाओ, यहाँ पे कुछ गजब होने वाला है, बड़े के लिए और छोटे के लिए सभी के लिए यहाँ पे अपन को इंडोर गेम्स प्रोवाइड किए गए हैं, टेबल टेनिस एवरीथिंग, यहाँ पे कैरम बोर्ड बच्चों के लिए, बड़े भी खेल सकते हैं छोटे भी नहीं, बड़े भी यहाँ पे खेल सकते हैं। देन यहाँ पे भी प्रॉपरली आपको कैमराज हो गया, एसी हो गया एंड अदर जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देन ये होल इतनी साइज है आप इजिली यहाँ पे खेल सकते हैं
एंड सब चीज़ें आपको वन टू वन प्रोवाइड की गई हैं। एंड फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे एक पार्टी हॉल है जहाँ पे आप जो भी छोटी पार्टीज़ हैं आपको करनी हो, और जैसे अपना बर्थडे पार्टी हो गई या घर में कुछ छोटा सा फंक्शन है, वो अपन एवरीथिंग फर्स्ट फ्लोर पे कर सकते हैं। एंड आपको वहाँ पे सारी चीज़ें ये प्रोवाइड की गई हैं। एंड इसके जो जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आपको नंबर्स दोबारा आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज़ को, नंबर्स आपको मिल जाएंगे। जो एमिनिटीज हैं इनका भी चार्जेज हैं, तो चार्जेज है वो 1 लाख के करीब है। देन आप परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, और भी कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आप वहाँ से अपने नंबर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्क्रीन पर वहाँ से आप ले सकते हैं।